कि हम बच्चों से प्रश्न पूछ के उसका उत्तर क्यों लाते हैं? हाँ तो यदि उत्तर लिख दिया तो वो प्रश्न बनाना क्यों नहीं सिखाना चाहिए? प्रश्न सीखना ही चाहिए उसे। जैसे हाँ ये लॉजिक था वहाँ हमारे बीच, हमने भी यही किया था कि हम प्रश्न ही बनाना सिखाएंगे। मैंने 5 रोटी खाया, हाँ कितनी रोटी लग गई, कितनी रोटी खाया, कम प्रश्न बनाइए, इसकी परीक्षा क्यों नहीं लेते? हमने यही कोशिश की इस बार, हर एक हम प्रश्न क्यों डाल देते हैं? इस बात पे हाजिर है दिल मेरा। आगे आगे बोल देना सर जी। देखे लेट्स लर्न, डू यू प्ले फुटबॉल, आर यू फाइन, कैन यू रीड इंग्लिश, एंड व्हाट इज दिस, एंड वेयर वर यू यस्टरडे। अगर ये दो प्रकार के बाकी पहले बच्चे ने पूरे देख लिया, अब इसने इस तरीके से देखा, अब इन तरीके के जाने के बाद हमने बच्चे से पूछना कि भाई पहला वाला कौन सा है, तो वो अब शायद हम उसे बताने में संभव हो सके अगर उत्तर नहीं मिलता कि ये यस नो टाइप वाले हैं और ये वाले सॉरी ये वाले WH। हम बताएं उन्हें, फिर बाद में हम फॉर्मेशन पे ले जाएंगे उन्हें कि कैसे बनाते हैं, पहले हम उसे बता दें कि ये तुम देख के पहचान। टेस्ट भी हो जाएगा कि वो भी कुछ जानता है, जान रहा है नहीं जान रहा। क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग को कुछ इस तरीके से जाने, यस नो टाइप सभी लोग जानते हैं, ये इबारत हम बच्चों को देते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट एजंट, एजंट की जगह में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अदर वर्ड्स व्हाट एवर यू वांट टू यूज इट इज डिपेंड ऑन यू। सर की यस नो टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए भर में चर्चा करना चाहूंगा अभी आज, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कैसे बनेगा उसके लिए ये एग्जांपल्स है सर। उसे समझ में आ रहा है कि क्रिया की जो SAIS थी वो अलग हो गई है और वही SAIS वहां टू डज में लग गई। चर्चा करने में बड़ा मजा आता है कि कभी हमारा शिक्षक क्या स्कूल में जाके ये बताने की कोशिश करता है, संजय जी ध्यान जाएंगे, कि क्या बच्चे को जाके वो बता देना चाहता है कि डू बराबर डू धन डू होता है। किस टीचर ने जाके बच्चे को बताया कि डू बराबर डू धन डू होता है, और डज बराबर डज धन डू होता है, और डिड बराबर डिड धन डू होता है? बताना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो प्रश्न आता है आई डू इट, तो उसे मालूम है कि डू के भीतर भी एक डू और मौजूद है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। वो हेल्पिंग वर्ब से बाहर निकल के आता है तो वो क्या करेगा, उसको क्या बोलेगा? नेगेटिव जब बनाएंगे तो वो क्या करेगा? आई डू नॉट डू इट, मतलब डू के भीतर एक डू और है, डज के भीतर एक डू और है जो मैन वर्ब है, और डिड के भीतर भी एक डू है। जब हम सेकेंड वर्ब में जाएंगे तो जब हम रोट लिख रहे हैं तो रोट के भीतर से हमें डिड मिलता है और राइट मिलता है, इसी प्रकार डिड के भीतर में से हमें डिड भी मिलेगा और डू भी मिलेगा। यस सर। तो सिंग्स जब हम लिख रहे हैं तो एस अलग जैसे किया हमने तो हम डच में आ जाते हैं और हमें सिंग मिल जाता है, और जब हम प्ले में आते हैं तो हमें उसके भीतर से डू मिल जाता है और प्ले मिल जाता है। यही बात विद्यार्थी तक अगर इत्मीनान से बता दी जाए कैसे करके कि 3x बराबर 2x धन x, गलत ले जाए बच्चे को जरूर थोड़ी अंग्रेजी में गलत नहीं बता सकते। 3x बराबर 2x प्लस x, इसका मतलब यह हो गया कि उस x जो है वो उसके